मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं लाइन टी, जहां पर हम बात करते हैं स्किन केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक होगा, आपको पता है कि ये सीरीज़ का पार्ट टू है, जिसमें पहले पार्ट में हमने सीखा था कि यहाँ इस एरिया में क्या ऐसा करना है जिससे आपके डबल चिन एंड नेक की जो एक्स्ट्रा मसल्स है, जो आपकी उसमें एक्स्ट्रा फैट जमा हो चुके हैं, उसको कैसे रिड्यूस किया। प्लस वो एक सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद अब आज आपका होगा सेकंड पार्ट। उसमें मैं आपको कवर करूंगी आगे का चीज़ कि वो इसके ऊपर का एरिया जो है वो कैसे आपको इसमें ऐड करना होगा, यानी कि आपकी ये जो लोअर लिप्स एंड अपर लिप्स है, यहाँ पर जो आपके यहाँ पर सैकनेस आ जाते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है कि लोगों के ये नीचे होंठ जो है ऐसे रिंकल्स की वजह से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, या आपके यहाँ पर फाइन लाइन्स आना स्टार्ट हो जाती है, ये एरिया आपका थोड़ा सा लटकने लगता है। तो इसके लिए आपको कैसे, क्या ऐसा अपने योगा में ये क्या ऐड करना होगा, ऐसे क्या चीज़ करना होगा जिसकी वजह से वो आपका अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और आपका ये एक एंटी एजिंग है, प्लस आपका आपका फेस का जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कि इस स्टेप को, इस पार्ट सेकेंड पार्ट को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इसको आपको आगे अप्लाई करना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ और आपको तरफ, यानी कि फेस के दूसरे योगा के पार्ट के तरफ, उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें इस एरिया को कवर करना है। तो उसमें सबसे पहले अगेन हमें क्या करना होगा, लेना होगा यूं आपको एक फेस ऑयल, जो मैंने फिर लिया हुआ है, अर्गन का मेरा फेस ऑयल है। तो इसको आपको लेना है और इस एरिया में आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ओके, ये आपको ये मैंने इसमें अप्लाई कर लिया है और सेम आपको ये दोनों तरफ आपको सबसे पहले आपको अच्छे से इस ऑयल को फेस पे स्प्रेड आउट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, और इस एरिया में भी अगेन आपको लगाना है। तो अब आपको क्या करना होगा इस एरिया के लिए, ये जो आपका होंठ का एरिया होता है, इस पे आपको क्या करने पड़ेगा, ये होगा आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। पहला मैंने आपको योगा का स्टेप सिखाया था और अभी मैं आपको जो अभी तुरंत जा रही हूं बताने, वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसमें आपको इसको यहां पर पुश करना है। इस तरह से आपको 3 times करना है, 10-10 times करना है, 10 times करना है, 3 जो राउंड करना है। ओके, और इसको आपको ऐसे प्रेस करते रहना है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपको क्या करना है, सिर्फ इससे थोड़ा सा ऊपर जाना है और ये जो आपका ये वाला एरिया होता है यहाँ पर, इस जगह पे ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर, आपको ये प्रेस तो इस तरीके से आपको प्रेस करते जाना है और आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ये ओवरऑल फेस की एक्सरसाइज होती है। ओके, आपका जो लॉफिंग एरिया है ये, तो ये आपको करना होगा यहाँ पर प्रेस। तो अगेन आपको ऐसे ही दोनों साइड में, आपको इस तरीके से ही दोनों साइड में आपको प्रेस करते जाना है। ये हो गया आपका नंबर 2 स्टेप। ओके, तो अब आपको करना होगा थर्ड आगे का स्टेप, जो होगा आपका ये एरिया, ये तो आपको ये फिर अगेन लेना है 2 fingers। पहले आपको इस तरीके से लेना है,
बहुत अच्छा सा आपको बर्निंग फील होने लगेगी, आपके फेस पे जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को आप इस तरीके से करिए। और फिर अब आपको मैं बताने वाली हूँ यहाँ के पार्ट के बारे में, ठीक है। ये आपको कैसे करना है इस तरीके का, तो इसको कैसे करना है ये मैं बताने वाली हूँ आपको इस पार्ट के लिए। तो इसमें अगेन आपको लेना होगा सम ड्रॉप्स, आपको लेना होगा सम ड्रॉप्स, यहां से लेने के बाद आपको थोड़ा सा इस एरिया में अप्लाई करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना होगा यहां, आपको इसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाते रहना है। फिर एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में आपको इसको यू करना है। यहाँ पर बहुत से लोग के बहुत ज़्यादा ही रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपके अंडर आई में जो आपके सर्कल आते हैं वो नहीं आएंगे, और अगर हैं तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। इस तरीके से आपको अपने फेस पे यूं फेस ऑयल लगाना है। और तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये सारे मसाज, आपको फर्स्ट जो आपका मेरा पार्ट था उसका भी और प्लस जो अभी बताया है सेकंड पार्ट में इसका भी, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल फेस यानी कि नेक से लेके फेस तक आपकी जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो सारी तो रिड्यूस होगी ही होगी। आपका जो ठंड में विंटर्स में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो चुका है जो आपके फेस में नज़र आ रहा है और आप जल्द से जल्द वो रिड्यूस हो जाए, तो वो ये सारे स्टेप को आपको फॉलो करने होंगे। और आपको मॉइस्चराइजर कोई अप्लाई करना है या फिर आप फेस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप ट्राई करें और आप देखेंगे कि आपके फेस की बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी, बहुत अच्छा सा ग्लो करने ट्राई करिएगा। और आफ्टर आप जब ट्राई करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसी टॉपिक को लेकर जो थर्ड पार्ट हमारा आ रहा है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है, तो लेकिन मैंने इसी सीरीज का पार्ट उसको ऐड कर दिया है, तो वो उसको आप जरूर चेकआउट करिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।